हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव्स आर द डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन इन विच ऑल एक्सपेक्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कॉन्स्टेंट एंड डिफ्रेंशियब Differentiation is performed with respect to that one which we have select as a independent variable. That's it. kya kya keh raha hai कि partial derivatives हमारे क्या होते हैं कि हमारे पास independent variables होंगे जिनमें से हम एक independent variable को छोड़के बाकी सारे variables को constant मानेंगे ठीक है कोई फंक्शन दे रखा होगा वो फंक्शन हमारा मोर देन वन वेरिएबल होगा और उसमें हम एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे और जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल छोड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव क्या कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है ठीक है जैसे हमने लेट किया लेट यूज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स का फंक्शन है कैसा फंक्शन है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई और इसमें हमने वाई को ट्रीट किया है ठीक है इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई का वो क्या है सिंगल वेरिएबल का बन जाएगा जब हमने वाई को ट्रीट किया तो हम क्या कह सकते हैं कि f यूज द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x विद पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y ठीक है नोटेशन क्या रहेगी पार्शियल डेरिवेटिव की अगर हम u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरीवेट कर रहे हैं तो करल u बाय करल x या फिर करल f बाय करल x या फिर करली एफ ऑफ एक्स वाई बाई करली एक्स या नोटेशन क्या है एफ के पैर में एक्स लगा देंगे ठीक है इसकी लिमिट फॉर्म क्या है लिमिट में हम पार्शियल डेरिवेटिव को क्या कैसे नोटेशन देंगे अगर हमारे पास यू फंक्शन है एक्स और वाई में तो करली यू बाई करली एक्स क्या होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो जो हमारा चेंज इन वेरिएबल एक्स होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई माइनस एफ एक्स वाई बाई में डेल्टा एक्स ठीक है क्या ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होगा यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कब जब इस सारे फंक्शन की क्या होगी लिमिट एक्जिस्ट करती होगी तब हम पार्शियल डेरिवेटिव को लिख सकते हैं ऐसा ठीक है ऐसे ही यहाँ हमने क्या किया था वाई को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया था अगर हमारा एक्स कांस्टेंट मान के चलें तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैसा होगा नोटेशन रहेगी कर ली यू बाई कर ली वाई कर ली अफ बाई कर ली वाई ल एफ ऑफ एक्स वाई बाय कर्ल वाई एफ वाई ठीक है ठीक है लिमिट फॉर्म क्या है कर ली यू बाय कर ली वाई की लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बाय में डेल्टा वाई ठीक है वही सेम लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी हम कर ली यू बाय कर्ल वाई को लिमिट फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है अब हमारे पास कुछ नोट है फर्स्ट नोट क्या है कर्ल बाय कर्ल एक्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस फंक्शन का वाई बाय एक्स का एग्जाम्पल है तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो हमारा वाई कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है वाई हमारा कॉन्स्टेंट है तो वाई बाहर आ गया तो हम पार्शियल डेरिवेटिव किसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन बाय एक्स का तो क्या वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन बाय एक्स स्क् इंटू में वाई तो हमारा आंसर क्या आया माइनस वाई बाय एक्स स्क्र ठीक है ऐसे ही वाई बाई एक्स का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है तो एक्स हमारा कॉन्स्टेंट होगा एक्स एस टीज रहेगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वन आएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा वन बाई एक्स ये मेरा पार्शियल डेरिवेटिव था जो हम ऑर्डनरी डेरिवेटिव करते हैं उसकी नोटेशन हमारे पास डी बाई डी एक्स रहती है ठीक है जिसमें जो फंक्शन होता है वो वन वेरिएबल में ही होता है ठीक है पार्शल में क्या होगा मोर देन वन वेरिएबल होगा फिर थर्ड नोटेशन है मेरे पास अगर हमारा जेड क्या है यू सम ऑफ टू फंक्शंस हैं यू और वी हमारे फंक्शन है यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मीन्स यू हमारा एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है एंड वी मेरा जी ऑफ एक्स एंड वाई अदर फंक्शन है ठीक है u और v मेरे पास दो फंक्शन है और z हमारा कैसा है एक फंक्शन है जो इन दोनों फंक्शन का सम और सब्ट्रैक्शन है तो इस केस में हम z का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई कुछ नहीं सिंपल डेरिवेटिव करना है करल z बाय करल x क्या हो जाएगा कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस माइनस अगर प्लस का है तो प्लस आएगा माइनस का है तो माइनस आएगा कर ली वी बाय कर ली एक्स ठीक है एंड कर ली जेड बाई कर ली वाई क्या हो जाएगा कर ली यू बाई वाई प्लस माइनस कर ली वी बाय वाई ठीक है यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इज साइन वाई के रिस्पेक्ट में कर ले हैं कर रहे हैं तो यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई और वी का भी विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है फोर्थ क्या है अगर हमारा जेड है वो फंक्शन क्या है दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन है वही सेम यू और वी हमारे फंक्शन है एक्स और वाई के ठीक है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा जैसे हम ऑर्डनरी डेरिवेटिव करते हैं वही सेम फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू का ठीक है यहाँ ध्यान रखना है जो यू और वी हैं वो हमारे फंक्शन हैं एक्स एंड वाई के तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है और हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है बाकी वही ऑर्डनरी डेरीवेटिव वाला रूल फर्स्ट सेम डेरीवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सेकेंड सेम डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है नेक्स्ट है मेरे पास इफ जेड इज अ फंक्शन फेड इज फंक्शन ऑफ यू बाय वी यू भी मेरा एक फंक्शन एक्स वाई का और वी भी मेरा एक फंक्शन एक्स वाई का और डिवीजन में है तो पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे वही सेम रूल बस ध्यान रखना है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट लेना है वाई कहां आएगा यू भी एक्स और वाई का फंक्शन है और वी भी एक्स और वाई का फंक्शन है ठीक है वही डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर एलसटीज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस न्यूमिनेटर एल और डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ठीक है नेक्स्ट है अगर मेरा जेड क्या है फंक्शन ऑफ यू है और यू क्या है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई अब देखो जेड इज द फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो इस केस में हमने जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई चेन रूल है चेन रूल हमने ऑर्डनरी डेरीवेटिव में किया हुआ है जेड इज फंक्शन ऑफ यू यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो हम डी जेड बाई डी एक्स निकालते हैं डी जेड बाई डी यू डी यू बाई डी एक्स ऐसे निकालते हैं अब देखो यू ए जेड है वो एक वेरिएबल का फंक्शन है और जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है तो क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी जेड बाई डी यू देखो जेड क्या है यू का फंक्शन है एक वेरिएबल क्या है तो हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है इन टू में u के, दो वेरिएबल्स तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो कर ली यू बाई कर ली एक्स ऐसे ही कर ली जेड बाई कर ली वाई क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी यू इन टू में कर ली यू बाई करलीक्स्ट है नोटेशन है हमारे हायर ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स की पार्शियल डेरिवेटिव्स की नोटेशन क्या रहेगी जैसे मेरा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर ली यू बाई कर ली एक्स अब फर्दर डेरिवेटिव करेंगे नोटेशन क्या रहेगी बाय बाय एक्स किसका का ठीक है ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव उसका फर्दर डेरिवेटिव किया तो नोटेशन क्या देंगे करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स या करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स या एफ डबल एक्स ठीक है वहां पे हमने सिंगल लगाया था ऐसे ही

और oh, सॉरी पहले एक्स का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव है यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव है फिर हमने उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो नोटेशन क्या करेगी कर ली स्क्र यू बाय कर ली एक्स कर वाई या फिर कर ली स्क्र एफ एफ में कर ली एक्स कर या फिर एफ एक्स वाई ठीक है अब हमारे पास रहेगा करली ली यू बाई कर वाई का फर्दर सेकेंड डेरीवेटिव करली ली बाई कर लाई वाई के रिस्पेक्ट में तो नोटेशन क्या रहेगी कर्ली स्केयर यू बाई कर ली वाई स्केयर करली स्केयर एफ बाई कर ली स्केयर या एफ डबल वाई ठीक है तो इस ये क्या है करली स्केयर यू बाई कर ली एक्स कर वाई को आपने कैसे देखना है कि यू का डेरीवेटिव पहले तो करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है यही है फिर जो आया उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है कैसा डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ठीक है जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कॉन्स्टेंट फिर जो आएगा फिर उसका फर्दर विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स करेंगे तो वहां वाई को कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे लिमिटिंग नोटेशन क्या है इसकी डबल डेरिवेटिव ऑफ डे, पार्शल डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स क्या है लिमिट डेल्टा टेंड्स टू तो जीरो यहाँ देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने चेंज करना है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई एस टीज क्योंकि वाई कांस्टेंट है माइनस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव में एक्स वाई एस टीज रखने हैं बाई में डेल्टा एक्स नोटेशन क्या है हमारे पास करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स स्क्र या मेरे पास करली स्क्र यू बाई करली एक्स स्क्र या एफ डबल भी लिख सकते हैं ठीक है एफ वाई एक्स में क्या करेंगे वही पहले पार्शियल डेरिवेटिव किसका होगा एक्स के रिस्पेक्ट में ठीक है फिर वाई के रिस्पेक्ट में इट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में हम चेंज करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई में चेंज आएगा एक्स एस फिर एक्स फर्स्ट डेरीवेटिव एक्स वाई बाई में डेल्टा वाई ऐसे ही हमारी अदर नोटेशन हैं एग्जाम्पल देखो फर्स्ट क्या कह रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं कि इफ जेड इज फंक्शन वन बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर की पावर वन बाय टू हमें क्या फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, और with respect to y करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है ठीक है अब देखो पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स डेरिवेटिव करना है तो हम वाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो ऊपर जाएगा ये वन बाय टू ऊपर जाके माइनस का वन बाय टू तो डेरिवेटिव करेंगे हम डेरीवेटिव सिंपल डेरिवेटिव ही करना है बस हमने y को यहाँ कांस्टेंट लेके चलना है माइनस का वन बाय टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर की पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू में विद रिस्पेक्ट टू x है तो y कांस्टेंट कांस्टेंट का जीरो एक्स स्क् का डेरिवेटिव टू एक्स ठीक है तो मेरे पास ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स ऐसे ही हमें y करने, तो माइनस वन बाई टू एक्सर प्लस की पावर माइनस तो का डेरिवेटिव जीरो और वाई का टू वाई तो आ, क्या आ गया मेरे पास माइनस वाई बाय एक्स स्क्स वाई स्केयर की पावर थ्री बाई टू सेकेंड एग्जाम्पल है क्या कहता है कि इफ जेड इज अ फंक्शन एज टेंजन इनवर्स एक्स बाय वाई हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है और वेरीफाई करना है करली स्क्वेयर जेड बाई कर ली एक्स वाई करली एक्स करली वाई इज इक्वल्स टू करली स्क्वेयर जेड बाई करली वाई इंटमें कर ली एक्स ठीक है अब देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमें पार्शियल डेरिवेटिव तो वाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे वाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो टेंजन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्र अब यहाँ पे क्या है एंगल एक्स बाय वाई है तो वन बाय वन प्लस एक्स वाई वाई का स्क्वेयर इन टू में एंगल का भी होगा एक्स बाय वाई ठीक है वाई को कांस्टेंट लेके चलना है एक्स का डेरीवेटिव वन बाई वाई तो मेरे पास ये क्या आ गया वाई बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्यर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अब हमें जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है पार्शियल डेरिवेटिव तो टेन इनवर्स एक्स बाय वाई था तो वन बाय वन प्लस एक्स वाई का स्क्वेयर इनटू में एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है तो एक्स मेरा कॉन्स्टेंट है वन बाय वाई का क्या हो जाएगा माइनस वन बाय वाई स्क्वेयर एक्स है ठीक है तो मेरे पास क्या आ गया वाई पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एक्स बाय एक्स स्क्र प्लस वाई ठीक है अब हमें क्या निकालना था हमें निकालना था जो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है ठीक है विद रिस्पेक्ट टू वाई और जो हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स तो हमने कर ली जेड बाई ली एक्स मेरे पास ये था इसको डिफ्रेंशिएट किया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई नोटेशन क्या रहेगी करली स्क्वेयर जेड बाई एक्स का Y के रिस्पेक्ट में तो नोटेशन यही आएगी ना तो वही डेरिवेटिव सेम करना है रूल लग जाएगा डिनोमिनेटर का स्केयर डिनोमिनेटर ऊपर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन माइनस वाई एसटीज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया ये ऐसे ही करली, करली वाई का माइनस वन बाई एक्स स्क् प्लस वाई स्क्या था ठीक है इसको हमने शियट करना है विद रिस्पेक्ट एकस, तो मेरा वाई कॉन्स्टेंट होगा ठीक है तो वाई कॉन्स्टेंट यू बाई वी रूल लगाया तो मेरे पास क्या आ गया आ, ये सेम ठीक है तो हमने क्या देखा कि मेरी बोथ साइड क्या हो गई सेम हो गई ठीक है एक नोट है जब जब हमारा यू कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया एक्स और वाई में तब तब ये दोनों सेम होंगे